जिले का नंबर एक चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। चैनल खबर 24 न्यूज पर तो शुरुआत करते हैं आज की ताजातरीन खबरों के साथ और दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति शिवचरण मीणा भानी मंडी के मार्गदर्शन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तालुका के क्षेत्र में ग्रामीणों को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर PLV अनिल कुमार तालुका विधिक सेवा समिति भानी मंडी द्वारा शिविर आयोजित किया, जिसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं उनके लिए विधिक सेवाओं की जानकारी तथा नालसा नशा पीड़ित के लिए एवं नशा उन्मूलन हेतु विधिक सेवाएं योजना 2015 एवं व्यसन रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा बाल विवाह रोकथाम कौशल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया एवं पंपलेट का भी वितरण किया गया। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में EVM VVPAT एवं अन्य चुनावी दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण एवं अन्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ का बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन एवं पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष सहित EVM जमा कराने के लिए निर्धारित स्थल का जायजा लिया एवं संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। आवर पगारिया थाना क्षेत्र के नाथूखेड़ी गाँव में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना अधिकारी देश राज गुर्जर ने बताया कि मंगलवार दिन में 3 बजे बगदूलाल पुत्र भगवान लाल मेघवाल उम्र 62 वर्ष भैंस चराने गया था। पानी पीने के लिए मानसिंह के कुएं पर गया था, जहां पर पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। रात भर परिजन ढूंढते रहे। बुधवार सवेरे मानसिंह के कुएं में शव तैरता नजर आया। पगारिया पुलिस को सूचना दी गई। पगारिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को आवर चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर कविता कुमारी द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। आवर में बुधवार को सांप के काटने से सज्जन लाल की मृत्यु हो गई। नोलाई ग्राम पंचायत सरपंच मान सिंह ने बताया कि सज्जन लाल पुत्र भग्गा लाल, जाति बंजारा, उम्र 45 वर्ष, निवासी नोलाई, बुधवार खेत पर निंदाई गुड़ाई कर रहा था। अचानक सांप ने डस लिया। परिवार वाले भवानी मंडी चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसे आवर चिकित्सालय लाया गया, जहां PM करवा कर शव को परिजनों को सौंपा गया एवं पुलिस में मामला दर्ज करवा लिया गया। पिरावन नगर पालिका द्वारा शहर की सफाई को लेकर 13.50 लाख रुपयों की लागत से खरीदे गए लोडर व ट्रैक्टर का आज माताजी की बाड़ी मंदिर परिसर में पूजा की गई। पिड़ावा शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान शहर में सफाई के लिए खरीदे गए लोडर व ट्रैक्टर की पूजा कर इन्हें सफाई अभियान में लगाया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कौशल्या बाई पाटीदार, उपाध्यक्ष राजू माली, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा, जैनी अर्जुन देव, भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल, जीवनधर जैन, राकेश मीणा पार्षद भारत भूषण प्रेमी, सुधीर जैन, पीयूष जैन, सीताराम माली, दिलीप पाटीदार, बबलू पाटीदार आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र की ढावलाबोच पंचायत पर भाजपा झालरापाटन विधानसभा विस्तारक अरविंद सिंह हाड़ा ने ढावलाबोच शक्ति केंद्र पर बूथ समितियों का सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाने के संबंध में चर्चा की, साथ ही ग्राम पंचायत की ढावलाबोच बांसखेड़ी व पिपलिया बूथ समितियों का सत्यापन किया गया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री राम गोपाल सिंह परमार, शक्ति केंद्र संयोजक सरदार सिंह, राम गोपाल शर्मा, महावीर शर्मा, भगवान लाल शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रायपुर कस्बे में आज अमरनाथ की पैदल यात्रा करके लौटे दोबड़ी गांव निवासी हरीश पाटीदार का स्वागत किया गया। कनिष्ठ लिपिक शिवम पाटीदार ने पैदल यात्री हरीश पाटीदार का फूल मालाओं से स्वागत किया।
इस दौरान लोगों को मिठाई भी वितरित की गई। डक सीएचसी पर ब्लॉक के समस्त नर्सिंग कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों के चलते 2 घंटे कार्य का किया बहिष्कार। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डक ब्लॉक के समस्त नर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार से कोई निर्णायक वार्ता नहीं होती है तो आगामी 23 अगस्त को जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर राम लखन मीणा, राकेश सुमन, नरेश कपिल, कपिल व्यास, अंतिम कुमार, श्याम सेन, अंकित योगी आदि मौजूद रहे। केरा के कस्बे में भील समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर भील समाज के लोग अग्रवाल धर्मशाला में एकत्रित होकर धर्मशाला से विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला पर समापन किया गया। जुलूस के भोपाल नाका पर पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्व आदिवासी दिवस के जुलूस का पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया व समाज के आदर्श योद्धाओं को माल्यार्पण किया गया। जुलूस के समापन के बाद अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। शामगढ़ में कल जीएसटी विभाग की आमद के बाद बाजार में चर्चा का विषय। जीएसटी विभाग द्वारा कल दोपहर 12 बजे से लगभग इंदौर से आई जीएसटी विभाग टीम द्वारा बस स्टैंड पर हार्डवेयर व्यापारी के यहां दबिश दी गई। बस स्टैंड की दुकान, मिडिल स्कूल के पीछे गोदाम, सुवासरा रोड, धामनिया के समीप नई खुली दुकान आदि संस्थाओं पर कल बार जाँच जारी रही है, मगर जीएसटी टीम संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिल पाने पर एवं दस्तावेजों में कमियों के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। मीडिया द्वारा जीएसटी टीम से दिन भर जारी रही कार्यवाही के बारे में पूछा तो जीएसटी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि वे अब जांच पूर्ण नहीं हो पाई और आज पुनः जीएसटी विभाग द्वारा हार्डवेयर की दुकान पर पहुंची एवं जांच की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। नोबल मॉडर्न उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानी मंडी। हमारे विद्यालय की विशेषताएं पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद मनोरंजन के साधन, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, कठोर अनुशासन, सुरक्षा निगरानी हेतु सीसीटीवी। एक बार विद्यालय में पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में बाल मेला, मनोरंजन साधन। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि विद्यालय परिवार महंगाई के कठिन समय में भी आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विद्यालय द्वारा इस वर्ष नए प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा LKG से दूसरे तक पुस्तकें व स्कूल बैग निशुल्क दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 8वीं व 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है व हमारे अनुभवी अध्यापक द्वारा अध्यापन एवं कठोर अनुशासन का परिणाम है। पता: एकता नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रधानाध्यापक शरीफ मोहम्मद गुड्डू सर, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9829334768। सरस्वती पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लासेस प्ले ग्रुप 2 8 क्लास। हमारी विशेषता है प्रत्येक क्लासरूम में LED ऑनलाइन क्लासेस, CCTV कैमरे, डिजिटल बोर्ड, प्रत्येक क्लासरूम में अनुभवी टीचर्स। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। एक विशेष विशेषता, LKG UKG फर्स्ट क्लास में न्यू एडमिशन लेते हैं तो स्कूल ड्रेस बुक्स निशुल्क दी जाएगी, लेकिन 6 माह की एडवांस फीस जमा करवानी होगी। हमारा पता है नाव सर्किल के सामने, रामनगर, भवानी मंडी। मदन लाल वर्मा डायरेक्टर, जिनका मोबाइल नंबर है 9214568320। फोन नंबर है 0743329466।
भवानी मंडी शहर में एकमात्र स्थान ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। हमारे यहाँ 6 से लेकर 10वीं तक ऑल सब्जेक्ट व 11th 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स व बीएससी, बीए, बीकॉम आदि की क्लासेस ली जाती है। अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस 100% गारंटी के साथ। हमारा पता है मेला मैदान, शांति नगर, मांडवी रोड, भवानी मंडी। प्रॉपर राइटर है महेंद्र शर्मा, जिनके मोबाइल नंबर 7357891932 8094629974 8058807148742. Mother's Lab, a play school, the future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोई। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहा है मामला अब गाँव का।
राजा साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा